ज द जन्माष्टमी इज़ कमिंग क्लोजर बाई विल ट्राई टू रिसाइड और डिस्कस समथिंग फ्रॉम द पास टाइम्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा अभी जन्माष्टमी आ रहा है एक हफ्ता भी नहीं अगले हफ्ते बुधवार को जन्माष्टमी मनाने वाले हैं मंगलवार को और बुधवार को तो उसी उपलक्ष्य में हम कृष्ण लीला से चर्चा करेंगे जैसे कि जो आखिरी का कुछ श्लोक है नौवें स्कंद के चौबीसवें अध्याय से उसमें से कुछ लोगों को पढ़ के उसके बारे में चर्चा करेंगे तो अभी हमने सुना कि जैसे कि हमने कृष्ण के बारे में सुनते हैं तो क्या होता है हमारे जो इंद्रिय वासना या इंद्रिय तृप्ति के लिए जो इच्छा है वो नष्ट हो जाता है हम इस भौतिक दुनिया में आए हैं और भौतिक दुनिया में हम जी रहे हैं उसी के कारण से हमारे जो इच्छाएं हैं उसके कारण से अभी हमें इच्छाओं को शुद्धिकरण करना चाहिए वी हैव टू प्योरीफाई आवर डिजायर्स सो दैट वी डेवलप द राइट डिजायर्स तो जैसे ही हमारा जो इच्छाएं हैं वो शुद्धिकरण हो, शुद्ध होके सही इच्छाएं आ जाती है हमारे में तब हम उसी प्रकार से हमारा जीवन भी चलेगा इसे इंग्लिश में भी एक कहावत है कि एज यू सो यू रीप जैसे कि अभी जो ये बिल्डिंग है मंदिर है हमारा ये बनने से पहले अभी हमारा नया मंदिर बन रहा है वो नया मंदिर बनने से पहले क्या होता है इंजीनियर जो है वो एक प्लान बनाता है स्केच वो प्लान बनाने से भी पहले क्या होता है वो इंजीनियर के मन में अच्छा कैसे होना चाहिए करके उसका आलोचना रहती है और विचार आता है और उस इंजीनियर को कैसे विचार आया वो क्योंकि जिनको मंदिर बांधना है जैसे कि इसमें नरे हरेप्रो को अच्छा हमें ऐसे करना चाहिए ऐसे करना चाहिए इधर ये आना चाहिए ऐसे उनके दिमाग में भी एक आलोचना था First it came in the mind of Narari Chaitanya Prabhu that okay, the temple should be like this. And then it is conveyed to the engineer or the architect who based on those input, he makes a plan. And then it comes on the paper and then eventually comes actually. So Vesahi it all started with One desire and then it manifests the same way. What we are today is because of our past desires and what we will be tomorrow is based on our present desires. इसलिए हमारा जो इच्छाएं हैं, उसको सही चाहों से बदलना चाहिए ताकि आगे जाके हमारा अच्छा, we have a right destination, जगंतावी है। तो ऐसे ही उसके लिए जब हम जो हमारा इंद्रित्व का मनोभावना है वो इतना मजबूत है या इतना स्ट्रांग है बिकॉज ऑफ दैट ओनली वी हैव कम टू दिस मटीरियल वर्ल्ड सो नाउ वाइल बींग इन द मटीरियल वर्ल्ड वी शुड डिजायर टू गो बैक टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड अभी इधर रहने के बावजूद इधर रहते ही हमें इच्छा जागृत करना चाहिए ताकि उससे क्या होगा हमारा जो इस दुनिया में रहने का जो इच्छा है वो खत्म हो जाना चाहिए और सीधा हमें भगवान के धाम भगवत धाम जो हमारा असली घर है उधर जाने का जो इच्छा है वो पैदा होना चाहिए सो टू डेवलप डिजायर वो डिजायर आएगा? वो जो इच्छा है वो इच्छा आएगा जब हम जिनको भी उस वो इच्छा है उनके संग में रहेंगे वेन वी कम इन एसोसिएशन ऑफ द पीपल हु दैट डिजायर देन वील ऑल्सो डेवलप डिजायर जैसा संग, वैसा रंग वी आर नोन बाय द कंपनी वी कीप हम जाने जाते हैं कि किनके संग में हम रहते हैं हम देखते हैं हालांकि कुछ दिन पहले ही जब बलराम जयंती के दिन विचार कर रहे थे कि कैसे जो द्विविड़ा गोरिल्ला है वो था रामलीला में भगवान राम के पार्टी में वो उन्होंने मदद किया और अभी जब वही श्री रामचंद्र जब कृष्ण के रूप में आते हैं तो उसने बलराम जी के विरुद्ध कार्य कर रहा था क्यों संघ के प्रभाव से बिकॉज ऑफ द एसोसिएशन द दिविडा गोरिल्ला हु इन द साइड ऑफ द लॉर्ड राम बिकेम अगेंस्ट और ही बिकेम ए डिमोनिय बिकॉज ऑफ द एसोसिएशन सो दैट इज द पावर ऑफ द एसोसिएशन सो दैट्स आई वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट वॉट एसोसिएशन वी की कैसा हम संग रखते हैं उसका हमें जिम्मेदारी लेना चाहिए तो और वो जो हमारा इंद्र तृप्ति का भावनाएं हैं उसके कारण से हम इधर आए जो इस दुनिया में आए हैं उसको अभी उसी डिजायर को यूज करके हमें वापस गोलोक धाम में जाना है बिकॉज द

वट आर द जीव अर्स बेस्ड ऑन दैट द लॉर्ड सेंक्शन और रिजेक्ट लॉर्ड विल नेवर इंटरफियर भगवान ये नहीं करेंगे कर। उनको कंट्रोल करके उनका जो इच्छा है वो हमारे में नहीं डालेंगे इच्छा जो है वो जीव का खुद का एक हिजोन या बर्थ राइट और दैट इज द ओनली थिंग वॉट ही कैन हैव ह

बेस्ड ऑन दैट आवर डिज़ायर्स आर माउलडेड तो हम जो जिस संग में रहते हैं क्या देखते हैं क्या सुनते हैं क्या पढ़ते हैं वो सबसे हमारा जो स्क्रिप्ट है वो बनता है और उससे हमारा इच्छाएं भी बनता है तो इट इज़ आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू डेवलप द राइट डिज़ायर्स सो इधर भी कृष्ण बता रहे हैं सॉरी शुक्रदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि जब हम कृष्ण के लीलाओं के बारे में सुनते हैं तब हमारा जो हृदय के अंदर का जो इंद्र तृप्ति का वासना है वो लिपट जाता है या वो चला जाता है और उससे फिर से हमें भगवान के प्रति जो आकर्षण है वो जागृत हो जाती है और इसी में अभी आगे श्लोक में आता है कि भगवान क्यों आते हैं वो कृष्ण भी बताते हैं कि यदा यदा ही धर्म से भारत अभ्युत्ता से तदात्मा नाम सृजा अहम परित्राणाया साधना विनाशाय च दृष्टता धर्म संस्थापनार्थय संभवामी युगे ये मैं युगों के बाद युग के बाद आता हूँ क्योंकि जब धर्म का पतन हो जाता है अधर्म बढ़ जाता है तब मैं आता हूँ क्यों आता हूँ क्योंकि परित्राणाया साधना मेरे भक्तों को रक्षा देने के लिए और जो अधर्मी हैं उनको नाश करने के लिए लेकिन ये असलियत नहीं है भगवान आते हैं भक्तों को आकर्षित करने के लिए जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है जिसका याददाश्त चला गया है तो क्या करते हैं उनको उनको ऐसे जगह पर लेके जाते हैं या ऐसे चीजें दिखा जाते हैं, या ऐसे बातें कहा जाता है या लोगों से मिला जाता है जिससे उनका फिर से याददाश्त वापस आ जाए द सेम वे क्रिस्टा कम्स हियर टू शोज द स्पिरिचुअल वर्ल्ड वॉट हीस जैसे कि मूवी बनने से पहले मूवी बनाते हैं मूवी थिएटर में दिखाने से पहले हमें ट्रेलर दिखाते हैं एक छोटा सा और ट्रेलर देख के जो मूवी देखने का जो इच्छा है वो बहुत जागृत हो जाती है द आउटसाइड पीपल डू दे प्रोपेगेंट द ट्रेलर सो मच दैट इमीडिएटली द डिजायर टू सी द मूवी बिकम्स वेरी स्ट्रांग मुझे देखना ही है मुझे देखना है कब आएगा कब आएगा So, I say, the same way the Lord also gives us the, His trailer of the, His life, His activities, His beauty, by which we develop that eagerness to, yes, I don't want this material world, I want to go back to the spiritual world. Jai Shishi Jagannath Balde rani Ki, Shishi Lakshmi <laughs> Narsimha Ki, Shishi Gaur Nita Ki, Shri that is the main reason the lord comes so we'll discuss from 92453 onwards till the end of this chapter we'll go see the summary yeah 53 onwards so in this Shukdev goswami is telling to parikshit maharaj about the the family, the previously the in the previous shlokas, the whole descendants of the Andhaka, Vrishni's Yadavas, that whole dynasty comes, which I'll discuss at the end. In short, also he mentions about the wives of Vasudeva and from whom who came, how many children were there. That details comes here especially about the the eight sons of Devaki comes.

यू आर रियली अ वेरी ट्रुथफुल पर्सन यू हर ब्रॉट आई एम सैटिस्फाइड टिकेट बैक आप लेके जा सकते हैं क्योंकि आपने लेके आए तो जैसे ही वो निकल जाता है देन इमिडिएटली हु कम्स नार दनी कम्स एंड टेल्स अरे कम से यूर ए फूल तुम तो मूर्ख हो क्योंकि मैं आ रहा था और देवताओं का बात सुना की वो लोग प्लान कर रहे हैं वो लोग आ गए हैं ऑलरेडी तेरा अंत निश्चित है नजदीक है तो वो ढर गया एंड देन लाइक नार दनी टोल्ड दैट लोटस पेटल विच इज द फर्स्ट पेटल एंड विच इज द लास्ट पेटल टेल मी विच इज द फर्स्ट विच इज द एक जो कमल है उसमें पहला पंखुड़ी और आठवा पंखुड़ी कौन सा है तो को, अरे, क्या गलती कर बैठा तुरंत भागता है वो जैसे ही वसुदेव को भेजा था उनके पीछे जाके वो उसको वो बच्चे को लेकर तुरंत पत्थर के ऊपर मार देता है और वो मर जाता है वो है कीर्तिमान सुशेना, भद्रसेना रुजु, समर्दना, ऋजु संद्रंशणा दट इज द कंट्रोलर एंड सरपेंट बलराम। कारनेशन दलराम सन वाज़ द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड एड हिमसेल्फ कृष्णा द हाईली फॉर्चुनेट सुभद्रा वन डॉटर वाज़ योर ग्रैंड मदर तो परीक्षित महाराज को बता रहे अभी और इस श्लोक में बता रहे हैं। यदा यदा ही धर्म से क्षय वृद्धिश्च पापमना तदा तो भगवान ईशा आत्मा सृजते हरी ही वेन एवर द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन डिटोरिएट एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन इंक्रीज द सुप्रीम कंट्रोलर द पर्सनालिटी ऑफ गॉड एट श्री हरि अपीयर्स बाय हिज ओन विल अपने खुद के इच्छा से आते हैं वो किसी से किसी नियम से बांधे नहीं है इज नॉट कंट्रोल्ड बाई एनी अदर

एनीथिंग no इसलिए उनका और एक नाम है असम ऊर्द्वा ना कोई उनके सम है और उनके, उनके उनसे ज्यादा है एक बार शिल प्रभाजी को एक जर्नलिस्ट ने पूछा क्योंकि जर्नलिस्ट और रिपोर्टर जो रहते हैं वो लोगों को ऐसे संदिग्ध परिस्थिति में डालना चाहते हैं जिससे वो ठीक से जवाब नहीं दे पाते दे वॉन्ट टू आस्क सच क्वेश्चन बाई विच दे कैन चेक मेड द पर्सन इज टू स्पीक तो इसलिए वो जो था, वो उसने पूछा प्रोपा से कैन गॉड क्रिएट अ रॉक विच ही नॉट लिफ्ट क्या भगवान ऐसे पत्थर को बना सकते हैं, जिसको वो उठा नहीं सकते आप जो भी आंसर दो आर कॉट Because if you say no, God cannot create. That means that that means He lacks something. And if He says yes, He can create, which He cannot. That means that He created the rock which He cannot lift. That means He is again unable. So, Prabhupada was no less. Prabhupada was. He knew that how to answer such questions immediately without any second thought. Prabhupada spoke, "Yes, God can create a rock which He cannot lift, but after creating it, He lifts it." तो भगवान ने ऐसे पत्थर बनाएंगे जो खुद उठा नहीं सकते और लेकिन भग, वो बनाने के बाद उठा देंगे वो है उनका इनकनसीबल पोटेंसी तो ऐसे ही जो भगवान है उनको वो अपने खुद के इच्छा से इधर आते हैं इसलिए है भगवदगीता में नौवें चैप्टर में भी आता है कि कैसे भगवान जब अपने रूप में इधर आते हैं और अवतार लेते हैं और जैसे बाकी मानवों की तरह ही वो रूप लेते हैं और कार्य करते हैं तो कुछ लोग उसको समझ नहीं पाते हैं वॉट दे थिंक इज दैट द लॉर्ड इज ऑल्सो लाइक एनी अदर कॉमन ह्यूमन दट इन द भगवद्गीता इट इज सेट दट अवजानी मानसिम मनुष्य तनुमाश्रित अवजानती मा मूढ़ा मनुष्य तनुमाश्रित परम भाव अजान मम भूता महेश्वर सो उनको मोढ़ा करके बुलाया जाता है कॉल्ड द लेस इंटेलिजेंट पीपल हु कंसिडर दैट लॉर्ड ऑल्सो कम्स इन द सेम फॉर्म एज सो एंड ही नोज एवरीथिंग बिकॉज ही इज द परमात्मा इन द हार्ट ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी

उनका जन्म और चक मृत्यु का जो चक्कर है वो खत्म हो जाता है पुंसा स्थिति उत्पत्ति ही स्थान निवृत्तेर आत्मा लाभाय चेष्टे द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड एड एक्स थ्रू हिज मटीरियल एनर्जी इन द क्रिएशन this दिस कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन जस्ट टू डिलीवर द लिविंग एंटिटी His कंपैशन

बेटा मेरे साथ ही रहे हालांकि वो कितना भी बुरा हो फिर भी वो उनको नकारते नहीं है डोंट रिजेक्ट द सेम ए द लॉर्ड नेवर रिजेक्ट्स द लॉर्ड एक्सेप्ट्स एवरीवन सो फॉर दैट पर्पस द लॉर्ड नॉट जस्ट लीव्स हिम ओके यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट बट ही मेक्स ऑल द फैसिलिटीज फॉर दैट लिविंग एंटिटी इफ लिटिल बिट ट्राई टू थिंक अबाउट इट दट द लॉर्ड हेज क्रिएटेड दिस मटीरियल वर्ल्ड जस्ट टू फुलफिल माई डिजायर भगवान जो है ये जो दुनिया को सृष्टि इसलिए करते हैं कि मेरा इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए अगर हम भी देखेंगे ही कनेक्टेड टू ईच एंड एवरी वन हर कोई से वो जुड़े हैं और हर किसी का जो इच्छाएं हैं वो पूर्ति करते हैं दैट इज अनकिवेबल पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड जो भगवान का जो असीम शक्ति है वो इतना है कि वो हर एक जीव से वो संबंध रख सकते हैं और उनका जो इच्छा है उसको उसी रूप में पूर्ति करेंगे लॉर्ड इंट्रैक्ट विथ ईच एंड एवरी लिविंग एंडेड जस्ट इमेजिन इन दिस वर्ल्ड देर आर सो मेनी ह्यूमन्स अराउंड सेवन हंड्रेड क्रोर एस ऑफ नो समथिंग लाइक दैट एंड नॉट ओनली द द्यूम बट देर आर सो मेनी अदर एनिमल्स एंड ऑल And he fulfills the desire, the needs of everything, everyone. And even he fulfills the desire of the coronavirus also, that which wants to suffer, affect others or trouble others. And he doesn't not only control this one universe, Ananta Koti Brahmanda there are crores of universes are there, where so many living entities are there. And he deals with them, interacts with them, he fulfills the desires of them. इट इज माइंड बॉगलिंग रियली एंड वाई ही डज दिस अगर हम थोड़ा सा ठीक से देखेंगे भगवान का कृपा इतना है कि वी कैन वी कैन नॉट वी कैन डू नथिंग बट जस्ट क्राइट इफ जॉय हम सिर्फ आंसू भा सकते हैं खुशी से कि भगवान कैसे मेरे लिए इतना सारा अरेंजमेंट करके दिया है जो मैं भगवान से उनसे दूर भागना चाहता हूँ उसके लिए भी उन्होंने सब कुछ रेडी करके रखा है तुम्हें पैसा चाहिए ले लो पैसा मौज मस्ती करना है ये लो मेरे से बिछड़ के जाना चाहते हो उसके लिए भी मैं बुद्धि भी देता हूं बाई विच यू कैन रेफ्यूट माई ओन एग्जिस्टेंस आई डोंट माइंड व्हाट एवर यू वॉन्ट आई एम जस्ट देयर टू सपोर्ट यू असिस्ट यू कैन देर बी एनी बडी हु एंड अफेक्शनेट

और वो रेस्पॉन्स नहीं देते हैं देन आफ्टर थ्री फोर टाइम्स आई एल जस्ट लीव इट बट वी आर नेग्लेक्टिंग 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 नॉट जस्ट वंस ट्वाइज इवन एज ह्यूमन इफ समबडी नेग्लेक्ट्स अज फर्स्ट टाइम यू डोंट माइंड सेकेंड टाइम यू डोंट माइंड थर्ड टाइम यू डोंट माइंड वन डे टू डेज थ्री डेज आफ्टर फोर फाइव डेज वी स्टार्ट थिंकिंग द थॉट कम्स ओके वेन एवर ही वॉन्ट्स लेट इम कम

पूरा दिल से नहीं या करो वो सीनियर है तो करूंगा तो भी कुछ घृणा के भावना से करूंगा अरे करना पड़ता है ना भी वो सीनियर है बट हियर द लॉर्ड ही सीनियर मोस्ट ही इज रेडी टू बेंड ही सेट सो मच जस्ट वेटिंग वो पूरा सीनियर होने के नाते वो वेट कर रहे हैं अरे देखो मेरे तरह से देखो मेरे तरह से मैं मदद करने के लिए हूं

सेकेंड चैप्टर सॉरी थ्री एट फाइव और थ्री फाइव एट में भगवान बोलते हैं प्रवृष्टकर्णरंद्रेण स्वाम भाव सरोह धुनोतिशम कृष्ण सलीलासवृष्टकर्णरंध्रेण विन द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड कृष्ण इंटर्स अवर भावं भाव सरोह धुनोतिशम कृष्ण धुनोति विशेष रूप से धोते हैं जैसे कि नॉर्मल वॉशिंग नहीं होता है तो एसिड डाल के उसको घिसना पड़ता है नरर भी प्रो भी बोल रहे थे कि हां थोड़ा सा उसको पानी में डाल के एसिड डाल के जाओ तो जो भी स्टेन है वो चला जाएगा विल गो वे सो द विल द लॉर्ड पर्पजफुल मर्सीफुली ही क्लींस अवर हार्ट

परमात्मा के रूप में आते हैं जस्ट टू रिट्रीव बैक ऑल द लिविंग एंटिटीज दिस इज हिज कंपैशनेट नेचर एंड जी पहले इस कंध के दूसरे अध्याय में लिखते हैं एंडिंग श्लोका में द लॉर्ड इज मोर इगस टू टेक अस बैक होम बैक टू गॉड एट दैन वी आवर सल भगवान हमारे से ज़्यादा इच्छा इच्छुक है हमें वापस भगवत धाम में लेके जाने के लिए लेकिन हमारा इच्छा इतना प्रबल है कि हम इधर ही रहना चाहते हैं इधर ही रहना चाहते हैं उसके कारण से भगवान बोलते हैं ठीक है रहो 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 मैं लेकिन फिर भी मैं मैं तुम्हारा पीछे हूं विन यू डिजायर आई एम जस्ट वेटिंग दिस इज इज कंपेश्स हु टेक पोसेशन ऑफ द गवर्नमेंट आर ड्रेस्ड लाइक मैन ऑफ गवर्नमेंट दे डू नॉट नो द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट Consequently, by the arrangement of God, such demons who possess great military strength fight with one another and thus the great burden of demons on the surface of the earth is reduced. The demons increase their military power by the will of the Supreme so that their numbers will be diminished and the devotees will have a chance to advance in Krishna consciousness. So here, Shukadeva Goswami is telling that sometimes the Lord allows the demonic people to increase so that Amongst themselves, they'll fight, and they will annihilate themselves, and the devotees can continue staying even many places it has happened that where the even k g b russia it was there, eventually when it became so strong that they were same people, they abolished them or like they made the k g b to get communists and now the krishna consciousness is flourishing so that is the plan or the arrangement of the Supreme Lord. The Supreme Personality of God at Krishna with the cooperation of Sankarshana Balaram performed activities beyond the mental comprehension of even such personalities like Lord Brahma and Lord Shiva. For instance, Krishna arranged the battle of Kurukshetra to kill many demons for relief of entire world. Even we have heard that Brahmaji also got how he got so much bewildered by the Brahma Lila. That he himself could not understand. How is that? Krishna, he is a small boy, he is the Supreme Lord, and he is eating the juta, he is taking the remnants from the hands of his cowherd boys. How can it happen? And immediately, Brahmaji took away all the calves. And then the cowherd boys requested, Krishna, we are not able to find our calves. Then Krishna said, Oh, don't worry, I will go and get them. And Lord was holding the curd rice in his hand. He went. By the time he came back, he saw that the cowherd boys are not there. Gwal bal Krishna came to know that it is the work of Brahmaji. Immediately he expanded himself as unlimited number of, or who were there, the gopas and the calves. And again, here we can understand that how the Lord is

It is so nasty. Unwanted desires are there. We ourselves will feel like no. We'll cover our face. Just take a person who is being taken in front of the camera to the jail, or the police are taking him. They try to cover their face so that they're they're not seen who they are. We also will have to put a opaque mask and. जैसे कि घोड़ा का रहता है ना ऐसे नीचे डाल के ऐसे जाना पड़ेगा बट द लॉर्ड नोइंग ऑल दो डिजायर स्टिल ही एक्सपैंड एग्जैक्टली द सेम वे ऑफ द गोपाल एंड द काफ्स विथ सेम एक्टिविटीज सेम मेंटेलिटी सेम वे ऑफ स्पीच एवरीथिंग दट इज इनकन्बल पोटेंसी एंड ब्रह्मा जी गॉट कंप्लीटली शॉकड i took away one set but where from where these came then again he comes and he begs forgiveness and the beautiful the 14th chapter of shrimad bhagavatam 10th canto comes of the prayers of brahmaji in that the one of the famous shloka which we know is that tattena kampamsashimekshmanu that one that for such a devotee who accepts whatever reversal comes in the life with folded hands or with grateful heart for them the Doors of vibrations are wide open. And sixty-one, sixty-first verse, Shukdev Goswami says, Kalo janishyam ananaam dukkhashoka tamo munudam anugraha yavakta supunyam vyatano To show causeless mercy to the devotees who'd take birth in the future. In this age of Kali, the Supreme Personality God, Krishna acted in such a way that simply by remembering Him, one will be freed from all lamentation and unhappiness of material existence. In other words, He acts so that all the future devotees, by accepting their instructions, by accepting the instructions of Krishna consciousness stated in Bhagavad Gita, could be relieved from the pangs of material existence. The same thing Arjuna also tells that Krishna, the moment when I बर द इंस्ट्रक्शन यू गिव इन द बैटल फील्ड ऑल माई लैमिटेशन इज सीजिंग अवे और इट इज गोइंग अवे तो ऐसे ही भगवान जो जीव है उसको कृपा दिखाने के लिए आते हैं ताकि हमारा इच्छा भगवान के प्रति या उनके प्रति जो प्रेम है वो फिर से जागृत हो जाए एंड ऑल्सो वॉट हैपन्स बाय दैट वेन The Lord comes and performs His pastimes, and when we see that, that time by remembering Him, one will be freed from the lamentation and happiness of material existence. That's why it is said that at least for the time when we are hearing Krishna Katha, these things will not affect us. In the first canto, seventh chapter, also it comes. Shoka Mohaayaaha, yasyam vai Shroya manayam Krishna भक्तिप्य पुंस शोकमोह दैट व्हेन वन समबडी हियर्स व्हाट वी हियर वी कीप हियरिंग मेनी थिंग्स बट कृष्णे परम पुषे द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एट कृष्णा अबाउट हिम मेनी हियर उत्पद्यते पुमस इन सच पीपल भक्ति उत्पद्यते इट इमीडियेट इज प्रौड्स भक्तिप्युस शोकमोह भयाप it goes away what shoka that means the illusion moha that is the sorry shoka means lamentation moha means illusion and fear that is bhaya why these three things are mentioned generally a living entity what he doesn't have he aspires he desires and when he has because of which he is put under illusion i want to become ambani i want to become the Bill Gates, and then when he gets it, he has a fear of losing it. अरे मेरे पास अभी कोई लेके गया तो चोरी करके लेके गया तो क्या होगा उसको कैसे संभालना है And when it it is actually lost or it is taken away, then ही start lamenting. वो शोक में चला जाता अरे मेरा था चला गया मुझे ये नहीं करना था वो नहीं करना था These three things. the living entity is there thinking about the past or the future and he doesn't think about the present but when the lord comes then these things are taken away at least for that time moment when we are sitting in the krishna katha and then this shloka is coming of that today what we discussed that how it cleanses our heart Now about the lords, the dynasty and also he assists. Assisted by the descendants of Boja, Vrishni, Andhaka, Madhus, Shurasena, Dasarha, Kuru, Srunjaya, and Pandu, Lord Krishna performed various activities. By his pleasing smiles, his affectionate behavior, his instructions and his uncommon pastimes like the rising Govardhana hill, the lord appearing in his transcendental body pleased all human society.

These four special things, which are there only in Krishna, out of 64 qualities. All the Narayana, everyone has the 60. No one else except Krishna has this 64. And the Jivas have 50. And Lord Shiva has 55. So, another few verses are very beautiful.

एंग्री अगेंस्ट द्रिएटर दता भी नहीं है कि ये आंख जो आंख का जो आई लिड द आई लिड टू सो मच टाइम इज वी कैनॉट सी कृष्णा ही सच ए रॉन्ग डिजाइनर सो यम हुटेड मकर कुंडलाइक ए शार्क शार्प इिंग्स लाइक द शार्प charukarna brajat kapola the whole the description of the beauty of the lord is mentioned that how his all the parts of the lord even it is so sweet and it is there is no comparison for that there can be no equivalent for that generally the the kavis or the poets they try to compare with something which is similar Oh, his teeth are like the jasmine. That means the base is taken that of the jasmine. That is a beautiful and it is compared to that. But Krishna's beauty is such that we cannot compare Krishna's beauty to something else. Because everything gets beauty from Krishna. So if you have to tell like that, then we have to tell that, Oh, the jasmine has got its beauty from Krishna's teeth. Or the lotus petal gets its beauty or the sharp shape or something based on the Krishna's eyes. Because Krishna's eyes are wide and the big. And his chest is wide and the waist is low. Whatever the people of this world want to have, the perfect shape or what they call. They go to the gym and perform so much of endeavor to get that. बट स्टिल अगर उन्हें मिल जाए तो भी कुछ दिन के बाद वो चला जाता है जैसे ही उन्होंने वो एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं वो तो चला जाता है लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है वंस इन द बिगिनिंग डेज वन ऑफ द पेंटर्स ऑफ स्टिल प्रोपाद जदुराणी माता जी प्रोपाद ने उनको एक चित्र बनाने के लिए बोला था सो शी ड्रॉ ड्रू वन पेंटिंग ऑफ कृष्णा लिफ्टिंग द गोवर्धन तो उसमें उनको लगा कि अरे भगवान पहाड़ को उठा रहे हैं तो उनको शक्ति चाहिए और वो शायद बहुत मजबूत होंगे और बलवान होंगे उसके लिए उन्होंने शी है ड्रॉन द नाइस ट्राइसेप्स एंड ऑल द सिक्स पैक एंड एवरीथिंग द मोमेंट शी ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ प्रत प्रपात जी ने देख के बोले कि लॉर्ड डजेंट है इज जस्ट ए स्मॉल टेंडर ईयर ओल्ड बॉय हाउ कैन ही हैज सच बिग बाइसेप्स एंड ऑल नो वेरी टेंडर उनका जो बहुत नरम है कोमल है फिर भी भगवान उठा देते हैं तो दैट्स वी नीड द हेल्प ऑफ ए गुरु टू अंडरस्टैंड अदरवाइज वी मे अवर ओन इमेजिनेशन विल पुट ऑन द लॉर्ड एंड वी क्रिएट अवर ओन इमेजेस और द फॉर्म्स। दम्स पीपल

अंडरस्टैंडिंग जैसे मुझे मेरे मन में आया वैसे ही डाल दिया और कभी क्रिकेट बैट देते हैं कुछ ना कुछ देते रहते हैं सो लॉर्ड इज नॉट मेड इन अवर ओन अंडरस्टैंडिंग और द वेज सो लॉर्ड हैज इज ओन वेज और द ब्यूटी और हाउ ही लुक्स एंड द डीट इज आर टू बी मेड अकॉर्डिंग टू दैट दैट्स वे वेन वी ऑफर एनी इन द कृष्णा इन द सेम वेल टॉकिंग टू द यज्ञपत्नीज कृष्णा टेल्स यू कैनॉट डेवलप अट्रैक्शन टू मी जस्ट बाई बींग वेरी क्लोज टू मी जस्ट मेरे नज़दीक रह के आप मेरे से मेरे प्रति जो आपका लगाव है उसको ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते फॉर देट यू शुड रिमेंबर मी कॉन्स्टेंटली वर्शिप मी एंड सर माई फॉर्म ऑफ द ड्यूटीज बाई दैट यू वील बी एबल टू डू दैट तो जब कृष्ण बोलते हैं कि जब तुम मेरे बारे में सुनो सुनोगे और याद करोगे मन में और मेरा सेवा करोगे भगवान अर्चा विग्रह के रूप में तब मेरे प्रति वो जो प्रेम है वो जागृत कर सकते हैं सो so, इधर भी भगवान का जो सुंदर रूप है उसका वर्णन किया गया है Then afterwards, what he did? The supreme personality of Godhead, Sri Krishna, known as Leela Purushottama, appeared as the son of Vasudeva, but immediately left his father's home and went to Vrindavan to expand his loving relationship with his confidential devotees. This one shloka contains the whole, in one sense, essence of the whole summary of the whole Krishna's pastimes. In Vrindavan, the Lord killed many demons. And afterwards, he returned to Dwaraka, where according to Vedic principles, he married many wives who were the best of women, begot through them hundreds of sons, and performed sacrifices for his own worship to establish the principles of householder life. This is what Krishna has done in a nutshell. The sutra form they need, no? So, this is the sutra that Krishna appeared and immediately he left his. Parents and went to the Vrindavan. There, performed pastimes, and then again came to Dwarka, and then to set an example to, for others, he performed. He was the best of the persons, and thereafter, Lord Krishna created a misunderstanding between family members just to diminish the burden of the world. Simply by his glance, he annihilated all the demoniac kings on the battlefield of Kurukshetra and declared victory for Arjuna.

So, he had, they have to be taken back. So, what he did? He brought them together, made fight amongst themselves, and then end the Leela and go back to the spiritual world. So, this was the whole in summary. Finally, he instructed Uddhava the transcendental life and devotion and returned to his abode in his original form. That is the Uddhava Gita, 11th canto, where the whole detailed description of what Krishna gave Bhagavad Gita to Arjuna.

तुम्हारा हृदय सदा गोविंदा विष्ण गोविंदा को नामो नामोरा वैष्णवा पर तो लॉर्ड गोविंदा इस टेलिंग दैट वैष्णवाज आर माय लाइफ एंड सोल एंड वैष्णवाज कैरी लॉर्ड इन द हार्ट सो द लॉर्ड गेट्स कैप्टिवेटेड इन द हार्ट ऑफ द डिवोटी बिकॉज ऑफ देयर

So, when we catch hold of the lotus feet of such devotees, then Krishna becomes captivated. We can capture Krishna within oneself. That's why Milo Mangal Thakur says, My dear Lord, you cannot run away from me. You may escape from my hands, but I have so tightly bound you in my heart that you cannot escape from that place. So the same way, all we can—the only way by which we can bind Krishna—is through the love and devotion, bhakti, mama vijanati. There is no other way. There is no other way. There is no other way. So when we try to serve and please and with wholeheartedly try to render service, by that when we attract the blessings of the superiors and when they are pleased, then they can give Krishna. So that's why in the Ohe Vishnu also we sing. That Krishna is yours, only you have the ability to give Krishna. So when we also pray to our Acharyas, we pray to Srila Prabhupada that, oh Prabhupada, you are carrying Krishna in your heart. That's what Prabhupada also did. Because he was carrying Vrindavan and Krishna in his heart, She took that Vrindavan and went to went out and gave the people, you take Krishna, you take Krishna. And then the people who didn't knew anything about Krishna consciousness nor about our

हम ट्रेन में या बस में कहीं हैं तो कोई आके पूछता है और हम बोलते हैं कि आगे जाओ आगे जाओ इफ द पर्सन गोज अवे देन विल नॉट थिंक ऑल्सो ठीक है चला गया बट इफ दर्सन द बेगर ही डजेंट लिव ओनली एक रुपए एक रुपए ही इज पुलिंग ओनली नो मैटर यू ट्राई टू अवॉइड ही इज नॉट गोइंग ओनली रहे तो so, पर ऐसा ठीक है ठीक है ले लो यू विल गिव दें वे वी की बेगिंग 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 और आचार्य प्रोपा प्लीज ओ प्ली गिव मी समथिंग यू हेव कृष्ण प्लीज गिव मी गि गि मी देन वन डे प्रोपा मे एक्सेप्टर प्ली एंड गिवस् कृष्ण सो देन वेन मी हेन विल बी एबल गाज श्रीमद्भागवतम की शीला प्रोपा की थैंक यू वेरी मच